जदयू टूटेगी। कुछ लोगों को लेकर ललन सिंह जी, कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव जी वहाँ चले जाने वाले हैं। लोग अब गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आरजेडी तेजस्वी जी लग गए हैं जदयू को तोड़ने में, और जदयू अब पछता रही है उनके साथ जाकर, अब जदयू समाप्त होगी। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाई हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल। पटना के बापू सभागार में बीजेपी के बैनर तले पान तांती बुनकर समाज की रैली बुनाई गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया। नित्यानंद राय ने कहा, जदयू टूटेगी, कुछ लोगों को लेकर ललन सिंह और कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव चले जाएंगे। जदयू के लोग गाना गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आरजेडी और तेजस्वी लग गए हैं जदयू को तोड़ने में, जदयू अब पछता रही है उनके साथ जाकर, अब जदयू समाप्त होगी। अरे रुको यार, क्या क्या आराम से, एकदम आराम से। बड़ा बुलावा आपने किया है, नित्यानंद राय जी संकट से जूझ रही है। सर आपने दावा किया जदयू टूटने वाला है, क्या है मामला, क्या संकट? मामला यही है कि जदयू टूटेगा और इधर जदयू के लोग बैठ के गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरा। मैं बोला हूँ, आप लोग कर रहे थे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ ललन जी लेके चले जाने वाले हैं, कुछ विजेंद्र जी लेके चले जाने वाले हैं, और नीतीश जी के तो हालत समझ रहे हैं, और तेजस्वी जी जदयू को तोड़ने में पूरी तरह से लग भी गए। बीजेपी की कुछ भूमिका नहीं होती, बीजेपी क्यों भूमिका, बीजेपी की भूमिका यही है कि बिहार विकसित बिहार बने और नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं यहां 100% लागू हो, यह बीजेपी आग्रह बिहार सरकार से की है, और बीजेपी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर एक एक लाभ बिहार वासियों को, जो प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना गरीब कल्याण की योजना चल रही है, बीजेपी यह करेगी। वह टूटेगा, वो तोड़ेंगे, वो आएंगे, वो जाएंगे, उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। जो होने वाला है वह मैं बताया।